हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल नीलम स्टार ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स देखिए, शाम के पीछे घड़ी है दीवार पे और थोड़ा सा अंधेरा भी है, आपको दिख रहा होगा। और 3:10 हो रहे हैं शाम का, और यहाँ पे मैं रूम के दरवाजे पे खड़ी हूँ और अब चल रही हूँ। चाय का टाइम हो गया है, तो पहले चलती हूँ चाय बना लेती हूँ। और आप सब बने रहिएगा मेरे चैनल पे, और मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप सब कमेंट में बताइएगा। और प्लीज़ फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और बताइए कमेंट में कि कैसा लगता है मेरा ब्लॉग। और चलिए चलते हैं, पहले चाय बनाते हैं। और ठंड तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे फ्रेंड्स, तो क्या कर सकते हैं ठंड के लिए, थोड़ा सा बच सकते हैं। और देखिए, मैंने जॉकेट पहन रखा है क्योंकि अभी काम नहीं करना है, जब काम करना पड़ता है तो जॉकेट निकाल के स्वेटर डाल लेती हूँ, क्योंकि स्वेटर में थोड़ा सा मुझे आराम रहता है काम करने में। तो बस वही, और यहाँ पे चलती हूँ चाय बनाने। और आ चुकी हूँ गांव में, तो गांव का आप लोग, उस दिन मैंने रात का ब्लॉग थोड़ा सा शूट किया था, वो भी बहुत मुश्किल से फ्रेंड। तो आज तो दिन है, तो देख सकते हैं आप यहाँ का सीन। यहाँ पे बर्तन वर्तन का धुलाई होता है, नहाने का है। तो और यहाँ पे मैंने आंगन में ही अपना गैस सिलेंडर लगा के रखा है, यहीं अपना किचन बना के रखा है, क्योंकि मुझे अंधेरे में खाना बनाना पड़ेगा तो मुझे ब्लॉग बनाने में भी थोड़ा सा दिक्कत होगा इसलिए। और छत पे तो है मेरा एक किचन, पर छत पे फ्रेंड्स जा नहीं सकती हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, और ठंड में ऊपर नीचे करना मेरी बस की बात नहीं है बिल्कुल। तो इसीलिए, और मैंने कहा चलो, और बैठ के तो मुझसे खाना बनाना होता नहीं, इसलिए मैंने टेबल पे ही गैस को रख दिया है, आप देख सकते हैं। और बैठ के नहीं बना पाती हूँ, इसलिए खड़े होने के आदत हो गए हैं खाना बनाने का। तो इसीलिए यहाँ भी मैंने अपना सिस्टम लगा लिया है। और छत पे है, वहाँ मैंने किचन बनवाया था पहले जब गांव पे रहती थी, तो वहाँ का जो वहीं है, ठंड में आना जाना मुझसे होगा नहीं। और ज़्यादा टाइम का तो बात नहीं, एक ही महीने का बात है, तब से सासू माँ भी आ जाएंगी अपना, तो फिर मैं वहीं चली जाऊँगी। और यहाँ पे क्योंकि लड़कियाँ सीखना पसंद नहीं करती हैं परिवार में, थोड़ा सा उनको ठीक नहीं लगता है, इसलिए मैं वहीं उनको सिखाऊंगी। आ गई हूँ रूम में, देख सकते हैं, और घड़ी मैंने दिखाया ना अभी आपको शुरुआत में ही, तो आप सामने से देख लीजिए। और ये रूम वही है मेरा स्टोर रूम, जो कि गेहूँ चावल वगैरह इसमें भरा पड़ा रहता है। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आप अपना प्यार और सपोर्ट मुझे भी थोड़ा सा दीजिए, अपना कीमती समय, और मुझे भी आगे तक लेके चलिए फ्रेंड्स प्लीज़। और क्योंकि एक छोटे से गांव के रहने वाली हाउसवाइफ हूँ, तो अपना बहुत ही मुश्किल से समय निकाल के वीडियो बनाना, ब्लॉग बनाना, ब्लॉग अपलोड करना बहुत ही मुश्किल से मैं कर पाती हूँ फ्रेंड्स। तो प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे भी अपना सपोर्ट दीजिए फ्रेंड, और आगे तक लेके चलिए अपनी छोटी बहन को भी। तो आ चुकी हूँ बाहर, थोड़ा सा बाहर का भी सीन देख लीजिए, धूप था तो मैं सिलाई सिखा रही थी लड़कियों को, तो इसलिए मैं धूप में नहीं बैठ पाई, क्योंकि उनको सिखाना ज़रूरी है और धूप लेंगे तो सिखा नहीं पाएंगे, अपना टाइम खराब करना वही बात है। तो चलिए फ्रेंड, पहले चाय पी लेती हूँ, तब माइंड अच्छे से काम करेगा, क्योंकि चाय का समय हो गया है। अब चाय नहीं पी हूँ ना, तो बोलना चाहती हूँ कुछ, तो बोलती हूँ कुछ, तो वही, तो प्लीज़ आप बने रहिएगा एंड तक मेरे चैनल पे। देखिए फ्रेंड्स, आ चुकी हूँ बाहर, और बाहर का भी नज़ारा आप लोग देख ही लीजिए। एक छोटा सा गांव है मेरा, और अभी मेरा गांव बहुत ही पीछे है फ्रेंड्स, बहुत कम लोगों का अच्छा अच्छा घर है, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे से कच्चा घर पहले थे, अब तो थोड़ा बहुत बन गया है, एक आध दो क्वार्टर कोई कोई अपना बनवा लिया है। और मेरा घर का मंदिर है,
आप लोगों ने मेरे पहले जो ब्लॉगिंग शुरुआत किया था मैंने दिवाली का, उसमें होगा भोलेनाथ का मंदिर है और यहाँ पे देख लीजिए कुआं है। पहले लोग कुआं का पानी पीते थे पर अब ये इसी तरह से बंद रहता है। और यहाँ पे धूप था तो मैंने थोड़ा सा गेहूँ भी डाल दिया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे बाहर का कुछ ऐसा सीन है और यहाँ मेरा जो गाड़ी है वो खड़ा है यहीं पर, कवर लगा के खड़ा कर देते हैं लोग। और ये वाला जो आप देख सकते हैं पॉलिथीन लगा है बरसाती, तो इस ठंड के लिए इसको लगाया गया है क्योंकि अंदर तक ठंड ना जा पाए। और यहाँ पे गर्मी में हवा लेने के लिए ऐसे ही पत्रा रखवा के बैठक की तरह बनवा दिए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक सिलाई मशीन भी है और वहीं पे लड़कियों को अपना सिखा देती हूँ। और ज़्यादा लड़कियाँ आ भी नहीं रही हैं इस समय, ठंड ज़्यादा है तो चार ही लड़कियाँ हैं, तो कर लेती हूँ माइनस अपना इसी में। और रूम अंदर का कुछ ऐसा है, ऐसे सीन जैसे कि सामने से यही है अंदर रूम के अंदर एंट्री करने वाला मेन गेट, और फिर इसके बाद ऐसे सीधे आंगन में और आंगन के बाद रूम में। और इधर एक साइड रूम है जो कि बंद पड़ा है, उसमें कुछ भी नहीं है, खाली है, वैसे ही रहता है। और इधर का बरामदा टाइप है तो देख सकते हैं आप, मेरा तो यहाँ पे रहना था नहीं, अब जब से आई हूँ यहाँ तब से थोड़ा बहुत जो भी मुझसे हो सका फ्रेंड मैंने एडजस्ट किया, क्योंकि बहुत सारे रहते हैं पर सामान वगैरह बहुत सारे बिखरे पड़े थे तो अपने रूम की भी सफाई मुझे करना पड़ा, तो इसीलिए थोड़ा सा इस समय मैं बिजी भी हूँ फ्रेंड्स, और किसी का वीडियो नहीं देख पा रही हूँ और किसी को सपोर्ट नहीं कर पा रही हूँ, तो इसी से थोड़ा सा मैं परेशान हूँ अभी। अब सासू माँ है नहीं, एक उनकी बच्चिया भी है उसको भी संभालना, तो मैं तो उसको चारा वगैरह डाल भी देती हूँ, नहीं तो बच्चे लोग अपना करते हैं तो वो आएंगी तो मेरा थोड़ा सा बोझा कम हो जाएगा, वो नहीं है तो थोड़ा सा मेरा काम बढ़ गया है। दिन भर यहाँ देखो और उसके बाद शाम को वहाँ मुझे जाना पड़ता है क्योंकि सुबह के टाइम चाय चाहिए, सनी के पापा वहीं रहते हैं, दुकान वगैरह भी है, कारखाना भी है, तो सुबह उनको चाय चाहिए तो थोड़ा जल्दी ही वो चाय पीते हैं, तो मैं रहती हूँ तो तुरंत उठ के उनको 5 बजे तक चाय उनको ठंड में दे देती हूँ। गर्मी में भले ही लेट हो जाए पर ठंड में उनको बहुत जल्दी चाय चाहिए, सुबह उठते ही बस मुंह धुलते हैं, लैट्रिन जाते हैं, फिर बिस्तर में घुस जाते हैं तभी उनको चाय चाहिए, तो तब तक मैं दे देती हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे दिक्कत भी हो रहा है तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप बने रहिएगा मेरे चैनल में। देखिए फ्रेंड्स रात हो गया है और मेरा जो खाना पीना है शाम रात का सब बन गया है और बच्चों ने खा भी लिया है, और यहाँ पे मैं अपना टिफिन भी पैक कर ली हूँ सृष्टि के पापा के लिए। अब मैं चल रही हूँ सड़क पे और इस समय थोड़ा सा मुश्किल हो गया है फ्रेंड्स वीडियो शूट भी करना, मेरे लिए अपलोड भी करना और आप लोगों का वीडियो भी देखना, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप माफ़ करिएगा मुझे। और यहाँ पे मैंने अपना ताला वाला बंद कर दिया है, अब मैं जा रही हूँ सड़क पे और वीडियो का कर रही हूँ यहीं पे एंड फ्रेंड्स, क्योंकि अब वीडियो मैं नहीं शूट कर पाऊँगी, ब्लॉग अपना नहीं बना पाऊँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, आप भी अपना प्यार और सपोर्ट थोड़ा सा मुझे दीजिए।